तो गाइस चलो आज हम चलते हैं चांदनी चौक के एक बढ़िया से फूड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम पहुंचे थे शाम के टाइम में चांदनी चौक संडे के दिन में, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो सबसे पहले हम काफ़ी फेमस गए जलेबी वाले पे, जिसके यहाँ शाम में भी इतनी ज़्यादा और गर्मी में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि, और यहाँ पे ज़्यादा फेमस है जलेबी, रबड़ी और दो टाइप के समोसे, मटर समोसा एंड आलू समोसा। तो समोसा देख के, समोसे के साइज़ तो यार काफ़ी छोटे थे, तो मैंने सोचा शायद इनका प्राइस भी कम होगा, लेकिन 25 का एक समोसा था उसमें, और काफ़ी टाइनी समोसाज थे। बट हाँ, फेमस इतने हैं तो ट्राई तो करने ही थे। और बाकी यहाँ पे बन रही थी ताज़ी ताज़ी जलेबी, तो मैंने एक लिया मटर समोसा और एक लिया मैंने आलू समोसा। तो मटर समोसा जो मैंने यहाँ पर ट्राई किया तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन दो बाइट्स में ही मेरा समोसा ख़त्म हो गया, क्योंकि समोसे का साइज़ बहुत ही छोटा है। और यहाँ पे आलू का समोसा भी काफ़ी टेस्टी था, तो समोसा तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। जलेबी मैंने नहीं ली थी, बिकॉज़ जलेबी जो मुझे है वो क्रिस्पी पसंद है। तो ओवरऑल इस दुकान का एक्सपीरियंस अच्छा था, बट दुकान के जो लड़के लोग हैं ना कार्य, वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में हैं। तो खाना तो सही है, लेकिन कुछ दुकान में भी देखना पड़ता है। सो नेक्स्ट हम चले कांजी वड़ा ट्राई करने के लिए। ये काफ़ी पुरानी शॉप है यहाँ की, जहाँ पे ये लोग मटके में जो है कांजी वड़ा बेचते हैं, और ये इस शॉप के सामने है, ज़ारा के सामने। तो मैंने यहाँ पे शॉप का देख लिया था ताकि ढूंढने में यहाँ पे परेशानी ना हो। तो आप जब भी जाओ तो यहाँ इन शॉप्स के सामने आप इन कांजी वाले से आप कांजी वड़ा खा सकते हो। तो ये किस टाइप का है, इसमें एक वड़ा होता है और बाकी गोलगप्पे जैसा पानी होता है, जो काफ़ी खट्टा मीठा टेस्ट में होता है। और वड़ा तो जैसा नॉर्मल वड़ा होता है उस तरीके से मिलता है, और काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका। बाकी ये लोग और चीज़ें भी देते हैं, दही वड़ा या वो और सारी चाट वाली चीज़ें, बट इनका कांजी वड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। भैया कांजी किस, ये पानी किस पानी से बनता है? राई के पानी से। इसको रात को भिगो के रखना पड़ता है ना कुछ? ये गर्मियों में 3-4 दिन पहले, ठंड में एक हफ्ता। 3-4 दिन पहले? ये कांजी का पानी 3-4 दिन में बनता है, राई का पानी होता है। अच्छा। सर्दियों में एक हफ्ता रखना पड़ता है इसको, तब जाके बनता है ये। तो नेक्स्ट हम चले जैन चाट स्नैक कॉर्नर वाले के पास, जहाँ की तो रबड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे ये लोग जो बाहर लगाते हैं वो लगाते हैं रबड़ीज, और डिफरेंट टाइप की रबड़ीज, लाइक चॉकलेट रबड़ी, पान रबड़ी, सिंपल रबड़ी, और बाकी यहाँ पे मिलता है केसर वाला दूध। तो हमने दोनों ट्राई किया, एक तो हमने ये मिल्क ट्राई किया, बादाम मिल्क, जो काफ़ी टेस्ट में अच्छा था। भाई फेमस, इतना भीड़ है, इतना फेमस है, तो यार इसीलिए होगा ना, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट अच्छा मिलता है। और बाकी मैंने यहाँ की ट्राई करी सिंपल रबड़ी, क्योंकि रबड़ी मुझे जो है ना देसी स्टाइल में, और देसी जो टेस्ट होता है ना वो मुझे जो है यहाँ पे, मुझे इनमें ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑथेंटिक टेस्ट होना चाहिए। तो ये एक छोटे से मिट्टी के ग्लास में रबड़ी का टेस्ट वाज वाव, बहुत ही अच्छा टेस्ट था और काफ़ी ऑथेंटिक टेस्ट था। तो यहाँ पे ट्राई करके यार बहुत ही मज़ा आया, मतलब काफ़ी अच्छा, काफ़ी 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 अच्छा था। तो अब हम अंदर चले, अंदर जाके हम लोगों ने और भी स्नैक्स ट्राई करने थे, बट यहाँ पे ये चीज़ है कि ये नहीं है कि आपको ब्रेड पकौड़ा सुबह मिलेगा या फिर समोसा आपको सुबह मिलेगा, एवरी टाइम जब तक ये शॉप खुली है तब तक आपको ये सारा स्नैक्स का सामान मिलता ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने ट्राई किए यहाँ के सबसे ज़्यादा सेल होने वाले राजमा चावल, जो बहुत ही यम थे टेस्ट में, बहुत ही ज़्यादा अच्छे एंड काफ़ी रिजनेबल रेट पे। एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पे ट्राई करी समोसा चाट, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जिसका टेस्ट था। यहाँ की चाट, यहाँ के राजमा चावल एंड यहाँ की जो मलाई है, बहुत ही ज़्यादा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए यहाँ आपने क्या ट्राई किया है।